बिहार के सिवान से इस वक्त हमारे पास है। वहां पर AIMIM नेता के मर्डर की खबर आ रही है। AIMIM नेता आरिफ जमाल की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। AIMIM के वो जिला अध्यक्ष थे और हत्या के वक्त वो अपनी दुकान में बैठे हुए थे और तभी हमलावर आए, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और मौके वारदात से फरार हो गए। हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। AIM नेता आरिफ जमाल जिनकी गोली मारकर हत्या की गई, हमलावरों के द्वारा उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त और एक सनसनीखेज हत्याकांड, एक राजनीतिक व्यक्ति का इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी है उनके पास। शशांक, क्या अभी तक पुलिस को इन हमलावरों के बारे में पता लगा? देखिए, पुलिस की टीम हमलावरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, क्यों दिया, ये पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। एक बाइक पर दो अपराधी थे, वो उनके फास्ट फूड की शॉप पर पहुंचे और दनादन उन पर फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद वहां से फरार हो गए। तब उनको अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से उनको गोरखपुर रेफर किया गया, लेकिन गोरखपुर जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। ये युवा नेता थे, काफी फेमस थे, हो सकता था ये लोकसभा का चुनाव भी सिवान से लड़ते, लेकिन उससे पहले जो है इनकी हत्या कर दी गई है। परिजन जो है साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है बहुत स्लोली काम कर रही है, तो अब हमलावर आए फायरिंग की आराम से निकल गए, तो पुलिस के हाथ खाली है। इसलिए परिजनों में भी जो है काफी आक्रोश नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शशांक, ठीक है, धन्यवाद आपका अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर AIMIM नेता का मर्डर कर दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।